हेलो एवरीवन आज जो है हम फिज़िक्स से रिलेटेड कुछ एक इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पीस ऑफ़ आइस इज़ ड्रॉप्ड इन अ बेसल कंटेनिंग केरोसिन व्हेन आइस मेल्ट द लेवल ऑफ केरोसिन बिल एक बेसल जिसमें की केरोसिन है जब हम उसमें आइस का टुकड़ा डालते हैं तो आइस का टुकड़ा जो है मेल्ट हो जाता है और कैरोसिन की लेवल जो है फॉल हो जाती है सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट वन इज़ यंग मॉड्यूल्स इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्शन डी इज़ करेक्ट यंग मॉड्यूल जो है प्रॉपर्टी है ओनली सॉलिड की यंग मॉड्यूल क्या होता है यह जो है किसी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है जो हमें बताती है कि मटेरियल जो है कितने इजीली स्ट्रेच या डिफॉर्म होता है और इसको जो है डिफाइंड करते हैं रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ टू टेंसाइल स्ट्रेन से नेक्स्ट वन इज़ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व राउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट विच क्वेंटिटी रिमेन कॉन्स्टेंट जब एक आर्टिफिशियल सेटेलाइट अर्थ के अराउंड वृताकार कक्ष में घूमता है तो कौन सी क्वान्टिटी जो है कॉन्स्टेंट रहती है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट एंगुलर मोमेंटम नेक्स्ट वन इज इफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ सबस्टांस देन इट इज़ अ अगर किसी सब्सटेंस की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज करती है अगर उसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज करता है तो वह सब्सटेंस कौन सा सब्सटेंस हुआ ऑप्शन बी इज़ करेक्ट सेमी कंडक्टर क्वेश्चन नंबर फाइव इज़ विच लॉ इज़ आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया ऑप्शन ए इज़ करेक्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया Next question is Which one of the following has the highest value of specific heat? Option D is correct. Water has the highest value of specific heat. Specific heat capacity of a substance is the amount of energy required to raise the temperature of 1 kg of the substance by 1 degree Celsius. नेक्स्ट वन इज़ विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सबस्टांस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट इंक्रीज जब किसी सबस्टांस का प्रेशर जो है इंक्रीज होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है क्वेश्चन नंबर एट इज़ इलेक्ट्रोनेक्टिविटी इज़ द मेजर ऑफ ऑप्शन बी इज़ करेक्ट इलेक्ट्रोनेक्टिविटी इज़ द मेजर ऑफ नॉन मेटेलिक करेक्टर्स Next one is the rotational effect of a force on a body about an axis of rotation is described in terms of the option D is correct. moment of force. Next one is if no external force act on a system of bodies, the total linear momentum of the system of bodies, remain constant which law state that option d is correct principle of conservation of linear momentum question number 11 is what is the unit of astronomical distance option a is correct light year is the unit of astronomical distance next one is energy possessed by a body इन मोशन इज कॉल्ड ऑप्शन ए इज करेक्ट काइनेटिक एनर्जी नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट इलेक्ट्रिक मोटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मकैनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज वट इज द स्केल यूज फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ क्यिक ऑप्शन सी इज करेक्ट रिचे स्केल को जो है अर्थ क्यिक की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए यूज करते हैं नेक्स्ट वन इज इफ अ लिफ्ट इज गोइंग अप विद एक्सलेशन द अपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इज ऑप्शन डी इज करेक्ट मोर देन द ट्रू वेट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इज द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ Geostationary satellite is option A is correct. West to east. Next one is a jet engine work on the principle of conservation of option A is correct. A jet engine work on the principle of conservation of linear momentum. Next one is the working of rocket is based on the principle of option d is correct conservation of momentum question number 19 is area under velocity time graph in uniform motion represents option d is correct none of these area under velocity time graph in uniform motion represent straight line next question is raindrops are spherical due to option b is correct सरफेस टेंशन रेन ड्रॉप्स जो है स्फेरिकल होती है शेप में बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इज द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड रिस्पेक्टिव प्लैनेट्स आर कॉल्ड ऑप्शन सी इज करेक्ट सेटेलाइट नेक्स्ट वन इज विच ऑफ फॉलोइंग बेब्स आर यूज इन सोनार ऑप्शन डी इज करेक्ट ultrasonic babes are used in the sonar full form of sonar is sound navigation and ranging sonar technique is used for detecting and determining the distance and direction of underwater object by acoustic mean next one is which of following has maximum wavelength? length option a is correct micro babe question number 24 is maximum value of static friction is called option b is correct limiting friction last question is which of following solution so tyndall effect option c is correct milk solution